अजमेर नगर निगम अधिकारी रेखा जेसवानी पर लगा 3000 की रिश्वत लेने का आरोप, एसीबी की टीम ने की कार्रवाई। अज निगम अधिकारी रेखा जेसवानी को एसीबी की टीम ने ट्रैप किया। एसीबी अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि परिवादी कमलेश ने एसीबी को शिकायत दी थी कि निगम अधिकारी रेखा जेसवानी कमलेश को ठेला लगाने की एवज में रिश्वत लेती है। कमलेश ने जानकारी देते हुए बताया कि पूर्व में भी उसने कई बार रेखा जेसवानी को पैसे दिए हैं। कमलेश ने बताया कि जब वह पैसे देते देते थक गया तो उसने एसीबी को इसकी शिकायत कर दी। कमलेश का आरोप है कि पैसे नहीं देने पर निगम अधिकारी रेखा जेसवानी द्वारा उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था। मेरा एक निवेदन था इनसे, ये मुझे 4 महीने से इतना परेशान कर चुकी हैं, कभी 5000 रुपये एडवांस लिया, फिर उसके बाद मेरी भी 2 महीने सर्दी थी, मैंने सर्दी में 2 महीने नहीं लगाया, उसके बाद भी 3000 रुपये मैं मंथली दी, फिर उसके बाद भी मैं इनसे 2-3 दिन से मिल रहा हूँ, मैंने इनको कल या परसों गया था मैं इनके पास, तो मैंने मैडम आप 1500 रुपये हैं आज अभी रख लो, 1500 रुपये हैं ये मैं आपको कल दे दूंगा, तो बोले नहीं इकट्ठे मुझे 3000 रुपये चाहिए, तो बोले इकट्ठे मुझे 3000 रुपये चाहिए, तो मैंने सर मैडम 3000 तो मेरे पास है नहीं, या तो आप एक काम करो मैं 3000 की व्यवस्था करता हूँ रात को तो फिर दे देता हूँ। इन्होंने बोला ठीक है तो घर आ जाना, तो रात को मेरे पास व्यवस्था हुई नहीं, तो व्यवस्था नहीं होने के बाद सर फिर इन्होंने मुझे मैंने आज फिर इनका फ़ोन आया, सुबह मैं इनको घर गया तो मैंने हाँ मैडम मैं पैसे लेके आया, इन्होंने बोला अभी जाओ शाम को बात करेंगे, मैं फिर शाम को सर इनका ही फ़ोन आ गया मैडम का से करीब 5:30 फ़ोन आया, बोले भाई आप घर आ जाओ, तो मैंने चलो ठीक है घर आया, तो सर उनके हस्बैंड ये थे और ये तो ऊपर थी छत में, इन्होंने बोला नीचे गाड़ी के अंदर पैसे रख लो, तो मैंने इसमें प्लेजर में रखने, तो बोले हाँ सर सर इनसे आधा अजमेर दुखी है, ठेले वालों की ऐसी ज़िंदगी ख़राब कर कर रखी है इन्होंने, मेरी स्थिति ऐसी हो गई थी मैं आत्महत्या करूँ सर, मैं इतना परेशान हूँ, आधा शेयर किसी भी आप ठेले वालों से पूछो, इन्होंने लाइफ ख़राब कर रखी है ठेले वालों की, किसी के बच्चे नहीं, आज सर मेरी स्थिति ऐसी है, भले आप मेरे बच्चों के रॉयल स्कूल में पढ़ते हैं आज देख लो 2-2 महीने हो गए वो फीस नहीं जमा कर पा रहा हूँ मैं सर, जब मेरे बच्चों की फ़ीस नहीं जमा कर पा रहा हूँ तो मैं इनको क्या पैसे दूँ, ये कौन सी स्थिति है सर, कब से दे रहे हो आप इनको? सर 4 महीने हो गए मुझे। कितना देते हो? सर 3000 रुपये महीना। और लेने कौन आता है या आप ही देने आते हो? हाँ लेने कौन आता है? लेने तो सर यही मैं जाता हूँ घर पे या फिर एक दो बार ऑफिस, पहले घर पे ये अपने एक दो बार तो यहाँ आई, एक दो बार मैं घर पे गया हूँ इनके देने। आपके अलावा और भी ठेले वाले भी देते हैं? सर ये मुझे ध्यान नहीं ठेले वालों बाद में, सर मैं तो इतना दुखी हो गया, मैं तो मैंने आपको बोला ना सर मैं आत्महत्या कर, मैंने आया तो मरेंगे या मारेंगे सर, आज मैं हकीकत में फिर मैंने ज्ञान लिया मैं ऐसे भी चल गया सर। आपने शिकायत कितने दिन पहले की थी? हाँ जी शिकायत कितने दिन पहले सामने देखो? शिकायत तो सर मैं एसीबी से शिकायत तो मैं हकीकत में अभी 2-3 दिन हुए हैं, कल ही करिए शिकायत, 2 दिन कल करिए शिकायत, हाँ कल एसीबी से शिकायत, तो सर मेरे पास पैसे होंगे नहीं तो मेरे पास माल होगा तभी तो मैं दूंगा ना, जब मेरे पास पैसे ही नहीं है तो मैं फिर जरूरी थोड़ी जेब से स्टार्ट, शुरुआत में इन्होंने 5 लिए थे फिर 3000 रुपये महीना हुआ, ये हुई थी बात। कमलेश कुमार। एसीबी ने इस मामले का रिव्यू कर रेखा जेसवानी को ट्रैप करने की व्यवस्था की। अधिकारी ने बताया कि रेखा जेसवानी ने उन्हें पूरी राशि लेकर उनके घर पर बुलाया, जिसके बाद कमलेश आज शाम को उनके घर पर पहुंचा। अधिकारी ने बताया कि रेखा जेसवानी ने कमलेश को स्कूटी की डिग्गी में पैसे रखने को कहा, कमलेश वहां पर पहुंचा और पैसे रखकर वहां से चला गया, जिसके बाद एसीबी की टीम उनके निवास स्थान पर दबिश दी और रेखा जेसवानी को हिरासत में लिया। हॉराइजन इनकी टीम ने रेखा जेसवानी से बात करने की कोशिश की, जिस पर वहां पर मौजूद अधिकारियों ने बात नहीं करने दी, परंतु जितनी भी बात हो सकी उसके दौरान जेसवानी ने बताया कि मुझे फंसाया गया और मेरे घर के नीचे खड़ी गाड़ी में पैसे रखकर कोई चला गया और विभाग को राशि पर उनकी उंगलियों के निशान नहीं मिले हैं। वहीं अधिकारियों का कहना है कि विभाग 2 दिन से परिवादी और रेखा जेसवानी के बीच हो रही बातों पर नजर रखे हुए है और उनके पास रेखा जेसवानी के खिलाफ कई सबूत मौजूद है। आज भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अजमेर स्पेशल यूनिट द्वारा नगर निगम की राजस्व अधिकारी श्रीमती रेखा जेसवानी को 3000 रुपये की रिश्वत राशि लेते हुए अभी रेड हैंडेड इनके आवास पर ट्रैप किया है और इसमें परिवादी है कमलेश सिंधी जो सुभाष उद्यान बजरंगगढ़ के पास गेट नंबर 2 पर ये नींबू पानी और शिकंजी का थैला लगाता है। इस परिवादी को इसके थैला नहीं लगाने देने और इसको डरा धमका कर इसे पिछले 4 माह से राजस्व अधिकारी रेखा जेसवानी मासिक मंथली के रूप में वसूली कर रही थी। परिवादी से प्रथम माह में इसने 5000 रुपये लेना परिवादी ने बताया है और बाकी 3 माह से ये 3000 रुपये के हिसाब से ये मंथली वसूल कर रही थी। 4/3/2020 को परिवादी ने ब्यूरो मुख्यालय पर रिपोर्ट दी थी, ब्यूरो कल इसका वेरिफिकेशन करवाया गया तो आरोपिया ने इसको पूरे पैसे और पूरी राशि लेकर इसको कल शाम को घर बुलाया था और परिवादी
कि घर न पहुंचने पर इसने सुबह पहुंचा था और सुबह भी इसने कहा कि मैं कॉल करके बुलाती हूं, और अभी आज शाम को इसको कॉल करके बुलाया और बड़ी चालाकी से परिवार आरोपिया ने रिश्वत राशि इसकी स्कूटी की डिक्की के अंदर रखवाई, जहां से एसीबी टीम द्वारा 3000 रुपये की रिश्वत राशि बरामद कर ली गई है और कार्रवाई जारी है।